देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगा पाने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। चोर लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस द्वारा किए जा रहे सुरक्षा के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कहने के लिए पुलिस दिन के साथ रात को भी शहर में भ्रमण कर गश्त करती है, लेकिन उसके खौफ से बेखौफ बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शहर में चोरी की वारदात होना तो रोजमर्रा के कामों में शरीक है, शायद पुलिस इसे अपना रूटीन वर्क समझ ध्यान नहीं दे रही है। शुक्रवार रात 10 बजे घर के बाहर रखी बुलेट चोरी हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। देखिए, जर्किन पहने दो युवक आए, बुलेट को देखा, अपनी जगह से वाहन को हटाया, फिर चले गए। फिर आए और बिना स्टार्ट किए वाहन धक्का लगाकर ले जाने में सफल हो गए। चोरी की यह घटना शहर के थाना स्टेशन रोड अंतर्गत बैंक कॉलोनी की है। चोर यहां रात करीब 10 बजे घर के बाहर खड़ी बुलेट चुरा कर ले गए। घटना का खुलासा पीड़ित के घर से बाहर आने पर हुआ। घर के बाहर जब बुलेट नजर नहीं आई तो घर में लगे कैमरे देखे गए, जिसमें दो बदमाश बुलेट को चुरा कर ले जाते हुए साफ नजर आ रहे थे। घटना के संबंध में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन अब तक आरोपियों का पता नहीं चल सका है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गोपाल कृष्ण मंदिर की जमीन पर बनी शिव वाटिका कॉलोनी पर आलोट प्रशासन ने कार्रवाई की। इस वाटिका कॉलोनी में बनी सड़कों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। यह कॉलोनी 2016 में बनी थी। इस कॉलोनी में मंदिर की भूमि को कॉलोनाइजर ने अपने अधीन कर लिया। देर शाम प्रशासन का बुलडोजर राम सिंह दरबार स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में भी पहुँचा। यहाँ पर प्रशासन ने कॉलोनी के गेट को ध्वस्त कर दिया। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी व शिव वाटिका कॉलोनी से कब्जा हटाने के दौरान सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र काला व तहसीलदार किरण वरवड़े के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। ये जो है आपने इसका करके दिया था 2011 में, ये किसने करके दिया? डाइवर्सन वगैरह 2011 में सीमांकन किसने किया था? अप्रोच किसने करी कॉलोनी? और आज आप इसको कह रहे हो कि ये वो मंदिर की जमीन है? आपके अधिकारी ने पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए, 2 लाख रुपए, तो आज इसका वो गलत बैठा हटा के और इस प्रकार से करके ये बता रहे हैं? रकबा कम कर दिया उसमें। और आपके पास लिखित में आदेश है क्या इसका? लिखित में आदेश हो तो आप बताओ इसका। माननीय एसडीएम महोदय ने इसका आदेश दिया था और पूरा वो था, और आज आप आके और इस प्रकार से कर रहे हैं यहाँ पे बिना कोई कॉलोनाइजर को आपने नोटिस दिया क्या? इसका नोटिस है आपके पास? नोटिस बताओ आप। मेरे को नोटिस नहीं दिया है। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राजस्व, नगरपालिका और पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। शिव वाटिका कॉलोनी बनाने में मंदिर की जमीन पर कब्जा पाया गया है। प्रशासन का दल 3 जेसीबी मशीन लेकर शिव धाम कॉलोनी पर पहुंचा, जहां पर बनी सीमेंट कंक्रीट की रोड को प्रशासन ने जेसीबी से उखाड़ दिया। कॉलोनी में बने एक मकान के कुछ हिस्से को भी गिरा दिया। शिव वाटिका कॉलोनी का कुछ भाग मंदिर की जमीन में बना हुआ था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। देर शाम प्रशासन का बुलडोजर राम सिंह दरबार स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में भी पहुंचा। यहां पर प्रशासन ने कॉलोनी के गेट को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान सांसद प्रतिनिधि न्यायालय को माननीय न्यायालय शब्द से संबोधित नहीं कर रहे थे। इस पर आलोट तहसीलदार भड़क गई। उन्होंने कहा कि न्यायालय को माननीय न्यायालय कहिए, न्यायालय शब्द को इज्जत से बोलिए। इंदौर हाई कोर्ट में भाजपा नेता महेंद्र सिंह, पिता भंवर सिंह सोलंकी ने
उच्च न्यायालय में एक रीट पिटीशन दाखिल की थी। इसमें शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, इस पर उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के आदेश रतलाम कलेक्टर को दिए। कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया गया कि एक शिववाटिका कॉलोनी है आलोट में, उसके संबंध में एक हाई कोर्ट में पिटीशन लगी थी, तो मानली हाई कोर्ट के निर्देशानुसार तहसीलदार महोदय के यहाँ जांच में अतिक्रमण पाया गया है। तो शिववाटिका कॉलोनी की जो पड़ोस में मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण था, तो करीब एक सर्वे नंबर में 160 वर्ग मीटर और एक सर्वे नंबर में 0.10 वर्ग मीटर 10 आरए था, तो वो अतिक्रमण हटवाया है। नहीं, उसके संबंध में विधिवत तहसील न्यायालय में केस चला है और ऑर्डर हुआ है। प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो अतिक्रमण के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है पूरे प्रदेश में, उसके तहत जिन जिन शासकीय भूमि और मंदिर की भूमियों पर अवैध कब्जे बनाकर कुछ लोग कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हमने जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें 26 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय ने कलेक्टर रतलाम को आदेशित किया है कि जो सरकारी भूमि है उसको कॉलोनी से मुक्त कराई जाए तथा उस कॉलोनी वालों के खिलाफ कायमी की जाए। तीन बिंदु पर हमने जो मांग रखी थी, तो हम चाहते हैं कि तीन ही बिंदु पर अक्षरशः उसका पालन हो। सर्वप्रथम था हमारा जो अवैध कब्जा शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि वहाँ से मुक्त कराई जाए। दूसरी कॉलोनी नाइजर पर FIR की जाए। और तीसरी थी उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। चिकित्सा महासंघ की प्रस्तावित चिकित्सक बचाओ चिकित्सा बचाओ यात्रा के रतलाम आगमन पर स्वागत एवं तैयारियों को लेकर मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स की बैठक 3 फरवरी को मेडिकल कॉलेज में हुई। मध्य प्रदेश के सारे शासकीय एवं स्वशासकीय संस्थाओं में पदस्थ डॉक्टर्स के संगठनों ने मिलकर एक महासंघ बनाया है, जो अपनी वर्षों पुरानी लंबित मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में चिकित्सक बचाओ चिकित्सा बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, जो 27 जनवरी से ग्वालियर से प्रारंभ होकर प्रदेश के समस्त जिलों से गुजरती हुई 7 फरवरी को भोपाल पहुंचेगी। उसका 6 फरवरी को रतलाम आगमन है, जो दिन में 12 बजे लगभग मेडिकल कॉलेज पहुंचेगी। वहां स्वागत सभा एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चात वाहन रैली के रूप में जिला चिकित्सालय पहुंचेगी। वहां से पैदल रैली के रूप में अम्बेडकर चौराहा तक जाएगी। यात्रा की जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रवीण बघेल ने बताया, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन रतलाम का अध्यक्ष, चिकित्सा महासंघ की एक यात्रा 27 जनवरी से स्टार्ट हुई है, जो कि ग्वालियर से स्टार्ट होकर मध्य प्रदेश के सभी 38 जिलों में जाने वाली है, और उसका आगामी आगमन रतलाम में 6 तारीख को होने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस यात्रा का, और इस यात्रा में आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? यात्रा का मुख्य उद्देश्य सारे चिकित्सकों को, जो विभिन्न वर्ग के चिकित्सक हैं, जैसे मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन या ESIS या मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन या जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, इन सब के चिकित्सकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है और सभी चिकित्सकों की समस्याओं को जानना है, और मध्य प्रदेश की जो सरकार है और मध्य प्रदेश के जो चिकित्सक हैं, जो पूरा PHC में रहते हैं CHC में रहते हैं, उनके साथ क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को जाना और उनको जागरूक करना है। साथ ही साथ हमें ये भी पता करना है कि वो समस्याओं की जड़ क्या है, उसका मूल क्या है, उसका मूल मरीजों को हम क्यों नहीं सही प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा पाए हैं, ये सब जानना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। जिले के सुखेड़ा गांव में एक मकान में अवैध रूप से सागवान की लकड़ियों के संग्रह कर रखे होने की सूचना वन विभाग सैलाना के अमले को मिली थी। वन परिक्षेत्र सैलाना प्रभारी श्रीमती सीमा सिंह के मार्गदर्शन में सैलाना वन विभाग के अमले ने कार्रवाई करते हुए मकान पर दबिश दी। एक ही दिन खाली हो गया, सब इकट्ठी एक बार में आई, एक दिन का है।
चलो नप्ती वाले कहाँ गए? नप्ती वाले उधर कर रहे शायद। सपोर्ट हो जाएगा उसको, रस्सी बांधते हैं ना तो बस दो। श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के 950वें जन्मोत्सव पर डोंगरेनगर स्थित श्री सत्यवादी वीर तेजाजी मंदिर पर शनिवार को अनुष्ठान किया गया। सुबह अभिषेक के बाद हवन पूजन के आयोजन हुए। हवन के बाद आरती कर प्रसादी वितरित की गई। धार्मिक अनुष्ठान में भक्त उपस्थित रहे। मौके पर तेजा महाराज के जन्मोत्सव में तेजाजी महाराज की सवारी निकाली गई। यात्रा में युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट भी शरीक हुए। देख रहे हैं अंबर टाइम्स।